आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके लॉज क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है और आपका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट। देखिए लाइट आपका क्या होता है, देखिए लाइट आपका क्या होता है, इट इज द स्ट्रेट पाथ विच ट्रेवल इन एयर और वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड लाइट। मीन्स लाइट एक ऐसा प्रकाश होता है जो एयर या वैक्यूम के अंदर 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। यानी जैसे कि कोई सनलाइट होता है जो अर्थ पर पहुंचने में आपका 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड को तय करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ओके, तो देखिए अब आपका लाइट, वैसे कि आप जानते हो कि नेचुरल सोर्स होता है लाइट का और एक आर्टिफिशियल होता है। और नेचुरल सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपका नेचुरल सोर्स होता है जस्ट लाइक ए सन, और आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है आपका लाइक ए आपका बल्ब हो गया, ट्यूब्स हो गई, ईटीसी। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे कि ये एक आपका रेयर मीडियम है N1 और ये आपका डेंसर मीडियम है, दिस इज कॉल्ड आपका N2। ओके, जब कोई प्रकाश की किरण आपका सेम मीडियम में स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, इट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टूडेंट्स आप लोग फॉलोइंग टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करोगे। लाइक हमारे पास क्या होता है, मींस इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, मिरर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर विच वन पार्ट इज पॉलिश एंड अनदर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। सेकेंड आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपका, देखिए इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। मीन्स इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। After that आपका आता है angle of reflection, means it is the angle between normal and reflected ray के बीच का angle होता है। Okay, it is denoted by angle R। अब देखिए incident ray क्या होता है, incident ray होता है आपका it is incoming ray which comes from the same medium before reflection, it is called incident ray। And reflected ray क्या होता है, reflected ray होता है it is outgoing ray after reflection, it is outgoing ray after reflection। और normal क्या होता है students, normal की अगर हम बात करें तो it is perpendicular on the reflecting surface like a mirror N1 and N2। और आपका glancing angle क्या होता है, it is the angle between आपका incident ray and आपका reflecting surface, it is denoted by angle G, and this phenomena we calls the reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की लॉज के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका, देखिए सेकेंड लॉ होता है मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आपका नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर इज लाइज एट द सेम प्लेन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मीन्स जब हमारे पास आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर लाइज एट 70 डिग्री आर लाइज एट 70 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो नॉर्मल की वजह से हमारे पास टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बीच का एंगल टोटल कितना है आपका 70 डिग्री है. लेकिन हमें दोनों के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल की वजह से ये दोनों एंगल आपके हाफ हाफ हो जाएंगे. इट मीन्स आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 35 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ 35 डिग्री. ओके अच्छा सेकेंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स मीन्स जब आपका रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आपका परपेंडिकुलरली फॉल्स करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो स्टूडेंट उस केस में क्या होता है कि मीन्स जो इंसिडेंट रे होती है वो 90 डिग्री पर होती है. देखिए अभी मैं आपको बताता हूं मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट रे यानी आई कितना था आपका आई इज इक्वल टू 90 डिग्री बट आर का वैल्यू हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा. तो स्टूडेंट इस केस में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है. इट मींस आपका क्या होता है ये कोई भी पॉइंट है देखिए ध्यान से अब कोई भी पॉइंट है ये भी सर इसकी फिगर के अंदर कोई भी चीज है अगर आई आपका क्या होता है 90 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपका आर इज इक्वल टू 90 होता है. लेकिन नहीं आपका क्या होता है दोनों इक्वल होने की वजह से हमारे पास जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका जीरो होता है. क्या होता है जीरो होता है. ओके अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी स्फेरिकल मिरर के बारे में. तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है मींस देखिए एक मिनट स्फेरिकल मिरर देखिए फ्रेंड्स स्फेरिकल मिरर क्या होता है मींस ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर विच वन पार्ट इज पॉलिश एंड अनदर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस That is called spherical mirror. अब spherical mirror आपके two types के होते हैं. The first होता है आपका concave mirror. और second होता है आपका convex mirror. तो देखिए friends convex mirror क्या होता है means हमारे पास ये एक आपका स्पीयर है ओके इस स्पीयर पर ये आपका मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पोल और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल पी लिखा जाता है. ओके यहां आपका ये सेंटर है तो देखिए आपका क्या हुआ यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया ये पी ये हो गया सी और पी से सी का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किससे आर से. आर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. ओके तो देखिए स्टूडेंट्स हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है मींस ए मिरर या फिर इट इज अ पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर विच आउटर पार्ट इज पॉलिश एंड इंटरनल पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दिस वन इज पॉलिश्ड. ओके अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास क्या है इस पॉइंट को हमने क्या माना पी दैट इज कॉल्ड पोल और यहां से ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. पी से आपका सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका आर दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके तो वी आर आस्किंग अबाउट दैट कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है मींस कॉन्वेक्स मिरर में ये जो आपका इंटरनल पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड पॉलिश्ड
यानी इसको हम पॉलिश बोलते हैं इंटरनल पार्ट को, और आउटर पार्ट क्या होता है आपका, आउटर पार्ट होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, एक कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जेंट मिरर बिकॉज इट कन्वर्जेस द ऑल रेज एट द प्रिंसिपल फोकस। इट कन्वर्जेस द ऑल रेज एट द प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इट मींस ये आपका पॉलिश हो गया आउटसाइड, ओके, और यहां से आपका ये आपका पोल हो गया, ओके। मींस व्हेन द रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, यहां पर क्या है, रेज आपका कहां से आ रहा है, यानी इंफिनिटी से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस एट पॉइंट एफ। नाउ हेयर द रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड मीट एट पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो मींस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। एक कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जेंट मिरर बिकॉज इट कन्वर्जेस द ऑल रेज एट प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। एक कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जेंट मिरर मीन्स इट सॉरी डाइवर्जेंट मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जेंट मिरर बिकॉज इट डाइवर्जेस द ऑल रेज एट द प्रिंसिपल फोकस। लेट अस सी, दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, ओके, मींस दिस इज कॉल्ड पोल्स। व्हेन द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट प्रिंसिपल फोकस, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड आपका डाइवर्जेंट मिरर, ओके। इन डाइवर्जेंट मिरर में क्या होता है, व्हेन द रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड मीट आफ्टर रिफ्रेक्शन एट पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। सो वी कैन से दैट ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जेंट मिरर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इसकी कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोल, ये हो गया आपका पोल, फिर आ जाता है आपका अपर्चर, फिर आ जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, फिर आ जाता है प्रिंसिपल फोकस, फिर आ जाता है आपका फोकल लेंथ, फिर आ जाता है आपका फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोल के बारे में। पोल क्या होता है, मींस इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। देखिए ये हमारे पास एक आपका स्पेरिकल मिरर है, ओके, अब इसका ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम पोल। मींस वी कैन से दैट इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर वेयर द ऑल डिस्टेंस आर मेजर, ओके, दैट इज कॉल्ड पोल। अब बात करते हैं हम आपका अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, मींस इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड अपर्चर। इट मींस इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड अपर्चर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपका, देखिए हमारे पास ये एक आपका स्पीयर है, ये स्पीयर है, इसमें आपका क्या हो गया, ये पोल हो गया और यहां पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड आर, विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ स्पीयर. इट इज द सेंटर ऑफ स्पीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ स्पीयर. ओके, दोनों एक सेंटर का स्पीयर होता है और एक आपका रेडियस का स्पीयर होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट? मींस इट इज द जॉइनिंग लाइन. इट इज द जॉइनिंग लाइन बिटवीन आपका पोल एंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये आपका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ही हम क्यों लेते हैं डिस्टेंस? क्योंकि सम टाइम ऑब्जेक्ट जो होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है या फिर आपका इंफिनिटी पे होता है, तो हम केवल पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं. यानी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये जॉइनिंग लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज द जॉइनिंग लाइन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अच्छा, अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब रेज आपका इंफिनिटी से आती हैं और स्ट्राइक करता है आपका मिरर के ऊपर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट प्रिंसिपल फोकस. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपका क्या है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. तो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा है, तो देखिए आपका रेज आ रही है आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइक एट पॉइंट आपका एल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस ओवर द प्रिंसिपल फोकस. ओके, अनदर रे, इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड स्ट्राइक एट पॉइंट ऑफ द एम ऑफ कॉनकेव मिरर, देन इट रिफ्लेक्ट एंड पासिस ओवर द प्रिंसिपल फोकस. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? व्हेन द रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड मीट एट प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. अच्छा, फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन्स फोकल लेंथ होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. अब बात करते हैं हम फोकल प्लेन की. तो फोकल प्लेन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, फोकल प्लेन होता है, पहले हम इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं. देखिए, ये हमारे पास, ये आपका कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये मिरर बंदे के बाद डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा मिरर है. ओके, तो देखिए, अगर हम इसको रिफ्लेक्टिंग, ये आपका सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास पोल. ठीक है, अब हमने क्या लिया, इस पार्ट को तो पॉलिश लिया, इट मींस ये कौन सा मिरर बन गया, ये मिरर हो गया आपका कॉनकेव. कौन सा हो गया? कॉनकेव. तो आपका क्या है, व्हेन द रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, ये रेज आपका कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है. ओके, एंड ये आपका रेज इंफिनिटी से आ रहा है और आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल फोकस. इट मीट एट द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कॉल्ड एफ एंड दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन. This is called focal plane. Focal plane, once again, मैं आपको बता रहा हूं students, जब आपका rays infinity से आता है and after reflection it meet perpendicular to the principal focus, this is called focal plane. Okay? अब देखिए next आपका मैं इसमें बताना जा रहा हूं कि apply sign convention क्या होता है. देखिए students, apply sign convention के according आपका किस चीज को पॉजिटिव और किस चीज को नेगेटिव लिया जाता है, तो देखिए उसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक आपका कॉनकेव मिरर है, हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे इसको और इसको हम बनाएंगे आपका कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो देखिए आप ध्यान से, मींस इधर मैं मेंशन कर देता हूं, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर, तो देखिए आपका स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होता है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. ठीक है, तो इट मींस देखिए, ऑल डिस्टेंस आर नेगेटिव इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव इन द राइट हैंड साइड. ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
इन कॉनकेव के केस में बता रहा हूं कि ऑल डिस्टेंस आर नेगेटिव इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर. ओके, द डाउनवर्ड डिस्टेंस इज नेगेटिव एंड अपवर्ड इज पॉजिटिव. अपवर्ड इज पॉजिटिव. ओके, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एंड आपका डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव. ओके, अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की. तो देखिए स्टूडेंट्स, मीन्स ऑल डिस्टेंस आपका यहां पर क्या हो जाएंगी, ये ऑल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड आपका पोल, ये हो गया पोल, दिस इज आपका प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट मीन्स आपका क्या है, द ऑल डिस्टेंस आर मीन्स पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड डाउनवर्ड डिस्टेंस आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा एंड अपवर्ड क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के. ओके, अच्छा इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, मींस ऑल डिस्टेंस आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इट मींस फ्रेंड्स आपका देखिए यहां से दोनों का राइट यानी ये बोथ राइट क्या होता है, पॉजिटिव, और दोनों का लेफ्ट नेगेटिव होता है. बोथ लेफ्ट नेगेटिव, नेगेटिव इट मींस दोनों का राइट पॉजिटिव, दोनों का लेफ्ट नेगेटिव. ओके, दोनों का अपवर्ड पॉजिटिव, दोनों का डाउनवर्ड नेगेटिव. ओके, इट मींस अब देखिए कॉनकेव में सारा जो डिस्टेंस होगा यानी यहां से यहां तक ये आपका माइनस एफ होगा, यहां से यहां तक माइनस आर होगा. ओके, और इस साइड आपका क्या होगा, प्लस होगा. तो इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक आपका प्लस होगा और यहां से यहां तक आपका प्लस होगा आपका. तो ऑल डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं आपका दोनों के राइट केस में और दोनों डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं दोनों के लेफ्ट केस में. एंड दिस इज कॉल्ड अप्लाई साइन कन्वेंशन. इसको हम क्या बोलेंगे, अप्लाई साइन कन्वेंशन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.